तीनों एक साथ ही लग गया है 150 आवे तो इन लोगों ने ज्यादा आवे और तो अरे तो जी ओ कप्तान मिन्नो ही करके गए अगर मैं कोई 10 रुपया लगाया है तो अब मारे तो अटता है ना मैं तब बेचन गई जी पानी पीने वाला की तो कमी अच्छा लगाने वाला की कमी ना होता है नेता अभी बाद में कोई जितनी बारे बाद में कोई आवा कारण तो है जी के चौटाला साहबगढ़ काम करेड़ है बिंगी ही दावेदारी अटे है जी भरत सिंह वेणी वाला टिकट हो त्रिकोणीय मुकाबला हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं ई समाचार और मैं हूं अनिल चौधरी और आज मैं मौजूद हूं एलनाबाद विधानसभा के गांव करमशाना के अंदर। और यह गांव आप लोगों को बता दूं कि बिल्कुल राजस्थान की बॉर्डर पर सटा हुआ है और पिछले अगर चुनाव की अगर बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, तो यहाँ पर शैलजा थोड़े बहुत वोटों से जो है यहाँ पर जीत हासिल की थी और जो उपचुनाव यहाँ पर जो हुआ था वहाँ पर इनेलो ने जो है जीत दर्ज की थी। और उससे पहले जो चुनाव हुए थे 2019 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके अंदर भी जो है इनेलो ने जो है जीत हासिल की थी। तो अभी हमारे साथ जो है करमशाना गांव के ग्रामीण हैं, इनसे जानते हैं कि गांव के क्या मुद्दे हैं और क्या ये लोग जो आगे आने वाले चुनाव में ये चाहते हैं। हाँ जी, तो गांव के क्या मुद्दे हैं मौके पे? मुद्दा तो मौका पानी का गांव में के बाद पानी की कमी है गांव में, पानी पीने वाला की तो कमी, अच्छा लगाने वाला की कमी, दोनों की कमी है। तो के बात है, मतलब इतने साल में कोई सुनवाई अट कोई सुनवाई को अंदर न दे के देख लियो 6 महीना तक मारो धरना चालियो नहीं मारी कोई सुनवाई को नहीं आई, कोई सुनवाई को नहीं हुई। तो अब आगे जो चुनाव आने ला रहे है बिंग मां जी नेता भी थर गम आवेगा सारा हटे आगे आप की सभा करेगा तो के थे बांगी डिमांड करो अब लोग गाँव भी मारे गांव में काम रह गया गमन करवाओ जरूरी। तो आज तीन इतना है डिमांड सारा आगे रखी है चुनाव तीन नेता आवे बाद में कोई जितनी बारे बाद में कोई आवा कोई को नहीं आवे बाद में कोई को नहीं आवे। अच्छा, तो अब जी जो अब चुनाव जो आने लग रहे है बिंग मां मौके की जी के हवा सवा लगन लग रही है जी कि अपने एरिया की बात करा तो एरिया में मैं फिरेड़ा कौन बाकी मारी गांव का थाने बता दी भी लगभग आईडी ऐसी है इन लो कोई 20-30 वोट आउ जीती निकल दिए जीती निकल दिए। और अगर जे कांग्रेस की बात करा कांग्रेस के अंदर 2 प्रत्याशी है जो मौके पर मजबूत है जगह टिकट की दावेदारी कर रखी है तो एक तो भरत सिंह बेणीवाल है तो के लगे अभी भरत सिंह बेणीवाल के अंदर अंदर कैंडिडेट अंदर कौन जो को है हावी रहे वो बाकी जगह कांग्रेस का कैंडिडेट है मारे गांव में जो भरत ने टिकट मिली तो बोटड़ा फालतू आस के तो मतलब है सारा जगह बेणीवाल है अंदर भरतो थारे गांव में मजबूत रेस के। और बीजेपी की अगर बात करा तो मिन्नू बेणीवाल और गोविंद कांडा के अंदर अगर मान लो किन्ने टिकट मिले तो भारी रहे मिन्नू गांव में कामड़ा कुंडा ठीक रहे कोई 10 रुपया दे के तो भी भारी रहे। अच्छा, थाने के लगे जी गांव में मानना तो जी तीनों बराबर ही है तीनों बराबर ही बराबर ही है कोई 20-30 को फर्क इन्हें विनाश का है तो मतलब और है, कोई ज्यादा घणो फर्क होने वाली बात घणो फर्क को नहीं कोई कोई कोई। तो मैंने जो को काम कराने वालों जो को नेता है जो को पीछे जो को सारों ज्यादा थारे हेठ है आयो है बो नेता कौन है मान लो मारे तो जी ओ कप्तान मिन्नू ही करके गए अगर मैं कोई 10 रुपया लगाया है तो बाकी और कौन बाकी अगर जी हाँ 10 साल हूँ पिछले 10 साल हूँ तो जी अभय सिंह विधायक है और भी हूँ पहला भी इन लोगों जो कोई गढ़ रहे हुए तो थान के लागे जी मिन्नू भी अगर कोई अगर जी आवे तो टकिन की बात बन सके। देखो जी बात एक गांव को नहीं बननी बात तो पूरी एलनाबाद हल्का बननी तो कोई घणो सो फर्क कोनी तीनों में लमसमी है अगर संतोष आवे तो संतोष ने की कौन मिला संतोष ने की कौन मिला भरतो ज़्यादा मजबूत भरतो मजबूत है संतोष में ठीक है। अरे पवन आवे तो ना जी पवन को पवन की पवन को सिस्टम थाने के लागे गम में राजनीति को अच्छा कौन जानोगे थे बताओ मैं तो थाने के लागे मैं तो भाई सीधी बात जानू भी ओही विचार है और ओही हम तो आए है पे तीनू एक साथ ही लग गया है 150 आवे तो इन लोगों ने ज्यादा और तो जी गांव गे मां मान लो इतने सालों का राजनीति चालन लग रही है तो अब की बारी भी कोई बदलाव को थाने लागन को लाग रहे हो मैं तो करियो कौन आज तई कोई बदलाव कौन करियो तो गांव के अंदर के जी की है थाने यहां लागे भी है चीज काम करवाना रहे के कमी है काम करवाण वाला है के काम तो मिन्नू भी करे है अच्छा और इनो लोला है अभी सिंह टोटल है वो काम करी है के अभी मारे 7 महीना ले रही नेर चलवा दी और सारा तेरा लीडर है एक दिन हां कौन करी नहीं आज कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में थाने कौन मजबूत है भरतलाल जी आया मिन्नू जी आया पवन जी आया कणिया कौन पानी कौन अरबन 7 महीने नहर बोली छुपा दी 44 नहर 7 महीने
एलनाबाद विधानसभा के गांव कर्मशाला के अंदर मौजूद हूं और बॉर्डर पे ये गांव स्थित है। उन गांव के युवाओं से बात करते हैं, गांव की गौशाला के अंदर जो सेवा करने वाले जो युवा है उन युवाओं से बात करते हैं कि क्या गांव की राजनीति चल रही है, क्या जो है हवा है इस बार के 2024 के विधानसभा चुनाव की। हाँ जी, क्या मुद्दे हैं गाँव के? सबसे पहले गाँव में तो जी पानी को है ज़्यादा, तो मैन तो पानी को नहीं आया, कम आवा टैलों पर लास्ट में रह गया और तो ठीक है। तो अब जका चुनाव आन लाग रहा है, किंगी हवा सुनने में ज्यादा मिलन लाग रही है? अब मारे तो अटता है ना, मैं तो अभय सिंह जी है जी। अभय सिंह जी, हां। तो गांव की बात करा तो गांव में के चालन लाग रही है? गांव में अभय सिंह है, कांग्रेस बीजेपी है तो सारा ही। अब देखो भाई टिकट किन मिले है, अजय फाइनल होई को नहीं मां पार्टियां ही नहीं साहब। तो थाने के लागे कौन मजबूत है? मजबूत तो जी 5-4 बार अभय सिंह जी टेढ़ो है, बाकी अब आगे देखो के हिसाब टिकटा मिले है हिसाब हुई कोई। तो काम का जका युवा है बे जका के मांग रखे है सरकार जकी आगे आने वाली टाइम के अंदर है, के थाने कमी महसूस होने ला रही है? कम है मारे तो जी बीजेपी की सरकार में काम तो बढ़िया ही है। और अब जी यहाँ मौके की बात करा तो बीजेपी का दो कैंडिडेट जका है टिकट मांगन ला रही है, कौन थाने मजबूत दावेदार जका थाने लागन लाग रही है? एक तो गोविंद कांडे की बात चल रहा है और एक मीनू बेनीवाल लागे। मीनू बेनीवाल जी मजबूत है, मजबूत लागे। और कांग्रेस की अगर बात करा तो कांग्रेस के अंदर है दो कैंडिडेट और टिकट मांगन लाग रहे है, तो बिंग अंदर संतोष बेनीवाल है और भरत सिंह बेनीवाल है, तो थाने कौन लागे? भरत सिंह बेनीवाल जी ज्यादा मजबूत लागे। तो अठे थारे गांव में जी आईडा या मतलब वोट मांगन अब की बार जो चुनाव खातर प्रचार जो चालन लाग रहे आगे गया? आगे गया जी। तो गांव के अंदर जी पानी की समस्या है तो तेयू पहला जी मान लो क्यों मिल लिया या समस्या खातर क्यों बात करी दियो जी? हां कोई कई महीना तक चले धरनो, तो बिन बाद माड़ी मोड़ी सुनाई हुई है, कोई खास तो नहीं अभी तक, खुदाई खुदाई करी है नहर की, बढ़िया सफाई कर दी। हां मतलब बाद के अंदर पानी की समस्या है जी की ठीक है कोई हद तक है। तो बात करा पूरे हरियाणा की के चर्चा था सुनने में मिलन लाग रही है, ज्यादा मजबूत कौन है, कौन ज्यादा मुद्दा उठावा अब की बारी जीत तो कौन लागे? देखो जी मारी अगर सीट पर देखा तो अभय सिंह जी है भाई उठास का हमारा मुद्दा, तो बाकी लीड के मां दोनों भी पार्टी है। तो अभय सिंह महेश की खास बात है जो मान लो भी लगातार पिछले 10 साल विधायक है और पिछले उपचुनाव हुए बिंग अंदर भी जीत्या और ब्यू पहला भी जो को है इनेलो को गढ़ जो को है वो अटैलनाबाद रेड है 1996 में लेके अब तीन बात करा मान लो तो इनेलो अटम गढ़ चालन लाग रहे हो, तो के कारण है भी अठे इतना जीते हुए? कारण तो है जी के चौटाला साहबगढ़ काम क्रेड है, बिंगी ही दावेदारी अठे है जी, मौका का कोई नया काम तो है कोई नहीं, बाकी बी काम पर ही वोट देने लग रही जनता। तो के तरिया का काम है? काम तो जी हमारे नहरा आगे सरकानी और करणो कोई रोड निकाली है तो भी पक्की करवाई गया, तो बढ़िया काम करियो जी इसी बात को। आपकी बार थन के लागे एलनाबाद विधानसभा के अंदर कौन? एलनाबाद विधानसभा बीजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल की टक्कर रहेगी, जगह भरत सिंह बेनीवाल ने टिकट हो त्रिकोणीय मुकाबला हो। तो बीजेपी में कौन मजबूत कैंडिडेट थान लागे? बीजेपी में कैंडिडेट मजबूत मीनू बेनीवाल हो, मीनू बेनीवाल और भरत सिंह बेनीवाल अगर कांग्रेस हुआ तो वह मजबूत होगा त्रिकोणीय मुकाबला हो, फिर अभय सिंह या मीनू भरत सिंह भी सारा लगा सके। अच्छा मतलब पूरा चुनाव जो है कांटा वो पूरा फंस गया एकदम समा आ जाए चुनाव के अंदर। तो पीछे की जी मान लो अब बात करें पिछले 10 साल में तो कितो काम हुए अपने गाँव में? काम तो लगभग ठीक हुआ सरकार का, बाकी कोई ठोस काम को नहीं, बाकी हमारी ज़्यादा बड़ी मांग नहर की तो विंग खुदाई हुई है। तो गांव के अंदर केडी मोटी समस्या है जेकी सबू ज्यादा जेकी सामने आन लाग रही है बाजे की ते आगे आन सरकार को समस्या और कोई काम की कोनी समस्या, पानी चाहिए मन तो लागण पानी पीण पानी बस इतो समस्या हो जाए तुम्हारो काम सही है। कहने को मतलब अभी तक थारे पानी वाली समस्या जेकी है इतने सालों चलन आ रही है कणी हल कोन के कोई हल कोनी होई है जे के मांग करो ते मान लो मैं पानी की मांग करा कोई पानी मांग करते है कोई भी नहीं वोट मिलेगा और किनी कोनी मिले बस। तो ये कर्मशाला गांव के युवा थे और हमने थोड़ी देर पहले बुजुर्गों से भी बात की, उन्होंने किस तरह से बताया कि इस गांव के अंदर जो है पानी की समस्या है और बहुत सालों से जो है ये मांग वो उठाते हुए आ रहे हैं, तो अभी तक कभी भी जो है ये मांग उनकी पूरी नहीं हो पाई है। तो उन्होंने ये कहा है कि आगे आने वाले समय में जो भी हमारी ये मांग जो है पूरी करेगा उसको ही हम लोग जो है वोट देंगे। और अगर बात करें तो यहाँ पर ग्रामीणों ने हमें ये बताया कि यहाँ पर अगर कांग्रेस से भरत सिंह बेनीवाल आते हैं और यहाँ पर मीनू बेनीवाल आते हैं और अभय सिंह चौटाला जो यहाँ पर मैदान में है तो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ से बनेगा। तो आप ये वीडियो ई समाचार पे देख रहे थे, मैं अनिल चौधरी, धन्यवाद।